दोस्तों आपको तो पता ही है, हमें 100 मीटर लगाने के लिए हमें स्टार्ट से लेकर फिनिश तक हमें दोस्तों जितना फास्ट होगा उतना स्टार्ट फास्ट लेना है। हमें स्टार्ट से लेकर फिनिश तक हमें पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है, तभी आपकी रेस अच्छी निकल जाएगी। और अगर आपको 11 सेकंड तक की दौड़ लगानी है तो दोस्तों आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें 100 मीटर लगाने के लिए हमें स्पीड चाहिए, पावर चाहिए और टेक्निक चाहिए। हमें ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, हमें स्पीड बढ़ाना है और पावर बढ़ाना है। और उसको कैसे बढ़ाए इसके बारे में आज बातें करूंगा और उसकी एक्सरसाइज देखेंगे, उससे आपका स्पीड बढ़ेगा। और दोस्तों अगर आप इस एक्सरसाइज को 2 महीने करते हो तो दोस्तों आपका 100% 1 सेकंड कम हो जाएगा। और अगर आप 12-13 सेकंड के आसपास दौड़ते हो तो दोस्तों आपका 1 सेकंड कम हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह से करना है। और दोस्तों मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। हर एक दोस्तों आपको एंगल बताऊंगा कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, कौन सी एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होगा, आपको बॉडी कैसे रहना चाहिए, आपको पैर कैसे रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 100 मीटर में अच्छा टाइमिंग लाना है तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को अच्छे से देख लो। और अगर आप 100 मीटर करते हो, स्प्रिंटिंग एवेट करते हो, तो दोस्तों आपको एक्सरसाइज फास्ट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों हमें ए स्किप करना है। कैसे करना है देखो। तो एक्सरसाइज कैसी करनी है देखो। यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे हमारा जो घुटना है उसको चेस्ट की तरफ उठाना है। दोस्तों बॉडी को स्ट्रेट रखना है और इससे आपका बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। ये स्पीड के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। और दोस्तों आप ये सभी एक्सरसाइज आप 20 मीटर में करें और हर एक एक्सरसाइज के आप 2 या 3 सेट लगाएंगे। और आपको हफ्ते में 2 या 3 बार आप इस वर्कआउट को करना ही करना है। अगर आपको अच्छा टाइमिंग लाना है तो दोस्तों आपको हफ्ते में 2 या 3 बार करना ही है। फिर उसके बाद आपको 10 या 20 मीटर इजी स्टार्ट लगानी है। फिर हम करने वाले हैं बी स्किप करते वक्त दोस्तों हमें नी को बेंड करके हमें अल्टरनेट करके आगे की तरफ फेंकना है। हमें हमारा पैर आगे की तरफ फेंकना है। आप अच्छे से देख लो। और इस एक्सरसाइज से दोस्तों आपकी जो स्ट्राइड लेंथ है वो सुधर जाएगी, स्ट्राइड लेंथ बढ़ेगी। फिर यहाँ पर हॉपिंग करेंगे। हमें दोनों पैर को ज़मीन पर रखने के बाद एक पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, एक पैर का घुटना ऊपर की तरफ फास्ट उठाना है। और एक्सरसाइज दोस्तों आपको फास्ट करना है, तभी इम्प्रूवमेंट होगा। हमें हाई नी कैसे करना है देखो दोस्तों ध्यान से। आपको हाई नी करते वक्त आपको जो घुटना है उसको 90 डिग्री तक उठाना है और आपको दोस्तों बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बंदे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त एक तो बॉडी को आगे झुकाते हैं, नहीं तो पीछे झुकाते हैं। इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा दोस्तों। आप दोस्तों अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। प्रैक्टिस करते वक्त हमें पीछे सीट को टच करना है। हमें दोस्तों अच्छे से एक्सरसाइज करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें शॉर्ट हॉप लगाते वक्त हमें हमारा जो नी है उसको उठा के डालना है। हमें दोनों पैरों का जो नी है उसको थोड़ा थोड़ा उठानी है, तभी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और इससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा और लेग में पावर भी बढ़ेगी। और इससे आपको दोनों पैर का करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें फुल हॉप लगाना है। हमें हमारा जो नी को ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है दोस्तों। आप प्रैक्टिस आपको इस तरह से करना ही है। लेग में अगर आपको पावर बढ़ानी है, टाइमिंग अच्छा लाना है तो इस वर्कआउट को आपको करना ही है। आप अच्छे से देख लो, इस तरह से आपको हॉप लगानी है। आप प्रैक्टिस करते रहना, आपको 100% आ जाएगा। फ्रंट किक करते वक्त हमें आगे पैर को ऊपर तरफ स्ट्रेट उठाना है। इससे आपके स्ट्राइड लेंथ में फर्क पड़ेगा, आपकी स्ट्राइड लेंथ बढ़ेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो दोस्तों आपको इस वर्कआउट को ऐड करना ही करना है। यहाँ पर लंजेस हम कैसे करेंगे देखो। यहाँ पर पैर रखते वक्त हमें हमारा जो घुटना है वो टो के एक समान रहना चाहिए और बॉडी को स्ट्रेट रखना है। और दोस्तों इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेग में पावर बढ़ेगी और आप 100 मीटर भी आप आसान तरह से निकल सकते हैं। जब आपकी पावर बढ़ेगी, लेग में पावर बढ़ेगी दोस्तों, आपका स्पीड तो 100% बढ़ेगा। एंकल बाउंस कैसे करेंगे देखो। यहाँ पर एंकल बाउंस करते वक्त हमें दोनों पैरों को ज़मीन पर रखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट उठाना है। इससे आपका एक्सप्लोजिव मूवमेंट बढ़ेगा, इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका जो स्टार्ट है वो स्टार्ट में सुधार होगा। फुट टैपिंग करते वक्त हमें हमारा जो टो है उस पर हमें टैप कर जाना है। हमें हमारा जो नी है उसको बेंड नहीं करना। और आपको दोस्तों जितना ऊपर हो सके उतना पैर को उठाना है। तो दोस्तों आप इस तरह से एक्सरसाइज करना, आपका 100 मीटर का टाइमिंग 100% कम होगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 100 मीटर का स्टार्ट कैसे लेना चाहिए, स्टार्ट लेने का सही तरीका क्या है, हमें स्टार्ट कैसे लेना है, उसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।